गोरखा हित सर्वोपरि। सब्सक्राइब करें और गोरखा आवाज को मजबूत बनाएं। पिस्टा यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा राज्य राष्ट्रमार्ग 10 अन्तर्गत रेलवे परियोजना का निर्माणाधीन संस्थाहरूको कार्यस्थलमा गएर प्रदर्शन गर्ने र क्षेत्रका बेरोजगारहरूलाई रोजगारको अवसर प्रदान गर्ने मागमा प्रदर्शन गरियो। कम से कम सीरियसनेस तो होना चाहिए ना। कम से कम लोकल ये जो पढ़े लिखे लोग हैं जो डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं, कम से कम कहीं ना कहीं तो 2-4 आदमी को तो आप लोग इम्प्लीमेंट कर ही सकते हैं। तो अभी तक ये जो हमारी जानकारी में हम समझ रहे हैं तो कंपनी हम लोग ने दिए नहीं करते ऐसा लगे नहीं करते। आपके हिसाब से इम्प्लीमेंट करवाना है? हाँ, ये बात। और दूसरा बात, इतना आपका लाइट जल रहा है, हाँ, इसका तो आपको इलेक्ट्रिशियन का लगेगा। कौन कर रहा है? टनल से यहाँ तक इतना लाइट लगता है, नहीं वैसे नहीं चलेगा। ये तो बाहर का आदमी है, आप 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 हम लोग ने आपके इन्विटेशन दिया नहीं आता है, हाँ ठीक है। चार पाँच महीने पहले आपका पीएम के साथ हम लोग मुलाकात किया था। आपका पीएम बहुत बिजी था उस टाइम, हमने सोचा कभी कभी हम लोग भी बिजी होंगे, समय आएगा। हाँ, लेकिन अभी इसीलिए हम लोग आज प्रोजेक्ट में आए, हम लोग को सब आइडिया है। फिर भी काम तो चाहिए नहीं, बड़ा तो हम लोग हो गया सो बोल के। हाँ, हम लोग ने ये दो आइटम, हाँ हम लोग ने दोनों है जो हमको अगर लोकल ही अवेलेबल हो जाता है। हम लोग ने इसको को भी एग्जीबिशन दिया है, इसको भी बता दिया है। आपको जो जितना भी एजेंसी है उसको बता दीजिए लोकल इम्प्लीमेंट करना है, नहीं तो कहीं डिस्टर्ब होगा तो प्रॉब्लम ही कौन को रहेगा। आपको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, देखिए सब जगह पे ऐसा नहीं है। मैं भी बंगाल से आती थी, आप लोग नॉर्थ बंगाल में रहते हैं, मैं साउथ बंगाल में रहता हूँ, जो भी है सब जगह में। तो कुछ नहीं है जो है, मैं अपना और एक बात आप कंफर्म कर दीजिए, कब आपका पीएम हम लोग के साथ मुलाकात करें? मैं आज बात कर देता हूँ। नहीं, हम लोग ने थोड़ा सर्वे किया तो ना, काजीरोड़ा से हम लोग सर्वे कर रहे हैं को पक्षबाट आज राष्ट्रिय राजमार्ग 10 मा जति पनि सञ्चालित रेलवे परियोजनाहरू छन् ती मध्येमा दुई चार परियोजनाहरूभित्र गएर त्यहाँका निर्माण संस्थाहरूसँग कम्पनीहरूसँग हामी बात मार्ने चेष्टा गऱ्यौँ। विशेष कुरो के भने, यत्रो ठुलो परियोजना राष्ट्रिय राजमार्गमा सञ्चालन हुँदाहुँदै पनि क्षेत्रका बेरोजगार शिक्षित युवाहरूले रोजगार नपाइरहेको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थालाई इङ्कित गर्दै र निर्माण संस्थाहरू जति पनि यहाँ आएर तपाईँको एउटा एजेन्सीको हिसाबमा काम गर्ने र यहाँबाट मुनाफा लिने कामहरू जुन निर्माण संस्थाहरूले गरिरहेका छन् त्यो संस्थाहरूभित्र यहाँका स्थानीय बेरोजगार युवा युवतीहरूले पनि काम पाउनुपर्छ र काम दिलाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर हाम्रो टिस्टा युनाइटेड वेलफेयर सोसाइटीले विगत 2-4 महिना अगाडिदेखि कसरतमा छ।
तर तापनि आजसम्म निर्माण संस्थाहरूले यसलाई गम्भीरतासँग नलिइरहेको कारणले गर्दाखेरि आज हामी फिल्ड भिजिट गर्यौँ, निर्माण संस्थाहरूको कामलाई हेर्यौँ, उनीहरूको प्रगतिलाई हेर्यौँ, अनि उनीहरूको जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई भेटेर विशेषतः इलिजिबल जति पनि युवाहरू छन् ती युवाहरूले यो क्षेत्रहरूमा यो रोजगारको क्षेत्रहरूमा उनीहरूलाई पनि अन्तर्भुक्त गरिनुपर्छ र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने माग राखेका छौँ। विशेष र हामीले चाहिँ अब यो काम चाहिँ अब यसको कामको लागि जे जस्तो गरेर भए पनि हुन्छ होइन, हामीले यो काम चाहिँ हासिल गर्नु नै पर्छ है। अन्त यहाँनिर अब हामी कति इम्प्लोइड पिपलहरू पर्सनहरू छ अब उनीहरू के गर्दैछ भनेदेखि यहाँदेखि धेरै बाहिर टाढा टाढा गएर होइन उनीहरू आफ्नो अब घर व्यवस्था परिवार चलाउनुको लागि धेरै टाढिएर बस्नु परेको छ आजको दिनमा। र त्यसै गरी अब हाम्रो युथहरूले चाहिँ यहाँनिर अब यो प्रोजेक्ट वर्कमा होइन यसरी कामहरू पाइदियो भनेदेखि राम्रो हुने थियो भन्दै सब्सक्राइब गरे और गोरखा आवाज को मजबूत बनाएं।